तो जनरल 1986 के एक्ट के अंदर देखो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ना आया 1986 में था, तो 1986 में कुछ राइट्स आई, राइट्स क्या क्या थी और कौन सी राइट्स इंक्रीज हो गई हैं, इस पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। अब वो क्या है भाई, देखो सबसे पहले राइट थी हमारी राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी। फिर क्या, अभी मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। राइट टू सेफ्टी पहली राइट थी, दूसरी राइट थी राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, या इसको राइट टू इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। क्या होती है अभी सब बताया जाएगा। थर्ड कार ऊपर आते हैं, उसके बाद है राइट टू चूज, राइट टू चूज। फोर्थ के ऊपर आते हैं राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड। कोशिश करो मेरे साथ साथ नोट्स बना लो, तुम्हें मजा आ जाने वाली है ऐसे ही, ठीक है ना, तुम्हें ऐसे ही मजा आएगी, तुम्हें टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अगर आपको मेरी वॉल्यूम लो लग रही है भाई, स्पीकर कनेक्ट करके सुनो भाई, मजा आ जाएगा। राइट टू बी हर्ड, उसके बाद पांचवी राइट के ऊपर आते हैं राइट टू सीक, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू सीक रिड्रेसल। फिर है आपकी सिक्स्थ राइट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। और सेवेंथ राइट जो 1986 एक्ट के अंदर दे रखी गई थी वो है आपकी राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। अब मेरी एक बात सुनना सब बच्चे, वैसे तो मैंने तुमको सबको बता रखा था कि मैक्सिमम पॉइंट तुमको पढ़ने हैं 6, सॉरी मैक्सिमम पॉइंट तुम्हें पढ़ने हैं 4, लेकिन राइट के केस में तुम्हें यह पता होना चाहिए कि 1986 के एक्ट में कितने राइट्स थे और कौन कौन से थे। सिमिलरली 2019 के एक्ट में कितने राइट्स बढ़ गए हैं और कौन कौन से बढ़ गए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो चलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से हम लोग ये राइट्स के बारे में समझ लेते हैं। राइट टू सेफ्टी क्या होती है, राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या है, अगर कोई भी कंज्यूमर कोई एक प्रोडक्ट खरीद रहा है मार्केट से, तो कम से कम उस प्रोडक्ट से उसको कुछ हार्म नहीं होगा। ऐसा नहीं कि भाई साहब प्रेस लेकर आए और आयरन करना जैसे ही शुरू किया आयरन दग गया इंसान दग गया, ऐसा नहीं है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने आ रहे हो तो कंज्यूमर का यह हक बनता है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए सेफ हो, राइट टू सेफ्टी। दूसरे पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं, दूसरा पॉइंट है राइट टू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, कंज्यूमर का यह हक बनता है कि हर प्रोडक्ट जो वो कंज्यूम करने वाला है या वो खरीदने वाला है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन उसे जानने का हक है कि कौन सा प्रोडक्ट कब बना, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ, कैसे यूज करेंगे, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, कितना टैक्स इन्वॉल्व हुआ, सब कुछ, मतलब सब कुछ। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, क्लियर, चिल, आगे बढ़े। राइट टू चूज, राइट टू चूज का मतलब क्या है कि हम बीइंग अ कंज्यूमर हम जो प्रोडक्ट चाहे उसको चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कोई प्रेशराइज करे कि तुम्हें यही प्रोडक्ट कंज्यूम करना है। लेट्स से आप मॉल में गए और मॉल के अंदर आप जाते हैं बिग बाजार में, अब तो बंद हो गया है, रिलायंस ने खरीद लिया, वैसे रिलायंस सबको ही खरीद लेगा एक दिन ऐसा लगता है। तो भाई क्या कर रहे हैं, अगर आप लेट्स से बिग बाजार गए और बिग बाजार में आप शॉपिंग कर रहे हैं तो वहां पर शॉपकीपर आपको ऐसा नहीं बोलेगा मेरे भाई तुमको तो यही सामान खरीदना पड़ेगा वरना तुमसे निपट लेंगे बाहर, ऐसा नहीं। राइट टू चूज है वहां पर, कंज्यूमर कह सकता है भैया कि मेरा राइट टू चूज है, मैं चाहे ये सामान खरीदूं या ना खरीदूं, वो मेरा हक है, राइट टू चूज। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है, राइट टू बी हर्ड, मतलब कंज्यूमर की सुनवाई कहां होगी। ऐसी कोई जगह होनी चाहिए जो कंज्यूमर, सताए गए हुए कंज्यूमर की कोई बात सुन सके, उसे बोलते हैं राइट टू बी हर्ड। फिर क्या है, राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब है अगर किसी कंज्यूमर को कोई नुकसान हो गया है तो उसकी नुकसान की भरपाई करवाना, मतलब लॉस का कॉम्पनसेशन लेना थ्रू कोर्ट, वो उसे बोलते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब यह होता है बेटा कि हर कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए।
कि हमारे पास कौन कौन सी राइट्स हैं, उसे बोलते हैं राइट्स टू कंज्यूमर एजुकेशन। और लास्ट है राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, मतलब हर एक कंज्यूमर का यह हक बनता है कि जो भी जहां पर भी जिस भी एनवायरनमेंट में वो रह रहा है वो एटलीस्ट हेल्दी हो। मतलब कोई जरूरी नहीं कि आपके बगल में, अगर आपके घर के बगल में लेट्स से आप कानपुर में रहते हो, ठीक है ना, हमारा घर है कानपुर, तो कानपुर में रहते हो और कानपुर में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, तो अगर वो फैक्ट्रीज सही तरीके से काम नहीं कर रही तो आप उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। और ऐसा करने पर कानपुर से बहुत सारी फैक्ट्रीज को हटाया भी गया है, लेदर इंडस्ट्री पूरी शिफ्ट कर दी गई है। तो क्यों, कौन सा राइट है? राइट है राइट टू हैव हेल्दी एनवायरमेंट।